सोचता हूँ हम कहाँ से कहाँ आ गए हैं इस विज्ञान के युग में, भावनाओं को खा गए हैं। अब एक भाई दूसरे भाई से समाधान कहाँ पूछता है, अब बेटा बाप से उलझनों का निदान कहाँ पूछता है। बेटी नहीं पूछती माँ से गृहस्थी के सलीखे, अब कौन गुरु के चरणों में बैठ कर ज्ञान की परिभाषा सीखता है। परियों की बातें अब किसको भाती है, अपनों की याद अब किसको रुलाती है, अब कौन गरीब को सखा बताता है, अब कहाँ कृष्ण सुदामा को गले लगाता है। जिंदगी में हम कितने बदल गए हैं, सब एक दूसरे के पास रहते हुए भी दूर हो गए हैं। न जाने वो इंसान इस जमाने में कहाँ खो गए हैं। छोटा सा गांव मेरा पूरा बिग बाजार था, एक नाई एक मोची था एक काला लुहार था। छोटे छोटे घर थे मगर हर आदमी बड़ा दिलदार था, कहीं भी रोटी खा लेते थे हर घर में भोजन तैयार था। बाड़ी की सब्जी मजे से खाते थे जिसके आगे शाही पनीर बेकार था, दो मिनट में मैगी नहीं झटपट दलिया तैयार होता था। मुल्तानी माटी से तालाब में नहा लेते थे, साबुन और शेविंग पुड़ सब कुछ बेकार था। दादी की कहानी सुन लेते थे कहाँ टेलीविजन और अखबार था, भाई भाई को देख के खुश होता था, सभी लोगों में बहुत प्यार था। आज सब सुख सुविधा है मगर फिर भी हर इंसान परेशान और निराश तनावों में रहता है। कहने को तो आज सबके पास 4G इंटरनेट है, लेकिन उस टाइम के 2G के मजा आगे ये भी फैल है। पहले महीनों में मिलती थी अपनों की एक चिट्ठी, लेकिन आज जरा से लेट रिप्लाई पर हो जाती है तकरारें। ना जिम थी और ना ही हजारों का था प्रोटीन, फिर भी ताकत और जोश उनके शरीर में बेशुमार होता था। रेडियो में इंतजार करते थे अपनी पसंद का गाना सुनने के लिए, आज यूट्यूब में हर गाना है लेकिन भी सुनने में वक्त लगता है। आजकल तो न जाने लोग भी कैसे हो गए हैं, जिस पर सबसे ज्यादा यकीन करे वही धोखा दे के जाता है। इंसानियत को भूल कर लोग सिर्फ पैसे कमाने की अंधी दौड़ में मगन हो रहे हैं। कुछ पुरानी यादों की झलक देखिए दोस्तों, शायद आपने जी हो ऐसी जिंदगी कभी। कि पहले ज़माने में और अब के ज़माने में कितना अंतर हो चुका है। आज के ज़माने में तमाम चीज़ें उपलब्ध हैं मगर फिर भी पुराने ज़माने की याद क्यों आती है। लगता है कि इन तमाम चीज़ों को ना पाकर पहले ज़माना जैसा भी था वही अच्छा था। दोस्तों यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए।